Hey guys, ये पूरा एकदम ही ब्रिज है, ये बांग्लादेश का भी बॉर्डर है बोल के। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा और इतना बड़ा गाड़ी, लगभग गाड़ी कितना 20-25 किलोमीटर दूर है यहाँ पे सिटी सेंटर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो कैसे आपका है, आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। तो मैं आज कितना 2 हफ्ते के बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी मैं लोकेशन बता देता हूँ कि अभी मैं कहाँ पे हूँ। अभी मैं फ़िलहाल ये रोहिणी के रोड में हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट लोकेशन है, जैसे कि आप यहाँ रास्ता देख सकते हैं, एकदम ही स्ट्रेट वाला है ये लोकेशन ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और आज मैं जा रहा हूँ सिलगुड़ी, मेरा कुछ पर्सनल काम है वहाँ पे, और वो काम ख़त्म करके मैं आप सभी को एक लोकेशन पे ले जाने वाला हूँ। और वो मुझे भी पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। सुबह को मैंने जो भैया से मिला था तो उन्होंने बताया कि इस लोकेशन पे जाना भाई बहुत ही बढ़िया है बोल के, तो मैंने गूगल मैप पर वो सेट कर दिया है। तो पहले मैं अपना काम ख़त्म कर लेता हूँ, तो उसके बाद आप सभी को मैं ले चलता हूँ उस वाली लोकेशन पर। यार बहुत ही अच्छा लगा था वो लोकेशन जब मैंने मैप पर देखा था, तो लाइव देखने से तो और भी बढ़िया होगा। तो फिलहाल मेरा स्कूटी यहाँ पे है, थोड़ा रेस्ट दे देता हूँ इसको भी, बहुत ही गंदा हो चुका है ये। और मेरा चश्मा और गोप्रो वगैरह सब सेट कर चुका हूँ मैंने। तो सुबह को ही मैं जब से दार्जिलिंग से निकला था तो उसी वक्त मेरा व्लॉग करने का मन था, लेकिन वहाँ पर एकदम ही वेदर का कंडीशन एकदम ही ख़राब है। जैसे कि यहाँ पर बादल देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर में, तो एकदम ही चारों तरफ कोहरा वाला सीन हो चुका था वहाँ पर। तो चलिए अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, स्कूटी का भी मैंने रेस्ट दे दिया है। तो ये चैनल पे जो नए हैं काइंडली सब्सक्राइब कर देना, मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है, काइंडली यार सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो चलते हैं यहाँ से, तो अब मिलते हैं इस वाले लोकेशन से निकल के दूसरे वाले जो पे। अब मैं कैमरा स्विच करके इस वाले ये वाले कैमरा से शूट करूँगा, तो चलते हैं। तो गाइस मैंने गोप्रो लगा लिया है और स्कूटी भी रेस्ट दे दिया है, तो चलिए निकलते हैं इस वाली लोकेशन से। यार ये वाले लोकेशन है मेरा वन ऑफ द फेवरेट लोकेशन है, बहुत ही अच्छा लगता है भाई यहाँ पे मुझे। तो मैं जब सुबह को निकला था ना, वहाँ पे दार्जिलिंग में इतना ज़्यादा वेदर ख़राब हो चुका था, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा वाला सीन हो चुका था, एकदम ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो वैसे ब्लॉग करने से क्या मजा आएगा कि नहीं गाइस। तो चलिए, तो मेरे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर हिट होने ही वाला है, आप लोगों के सपोर्ट से दुआ करता हूँ कि जल्दी हो जाए। तो सब आप ही के लोगों के हाथ में है, तो काइंडली यार सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ से अब सिलगुड़ी ज़्यादा दूर तो नहीं है, तो पहले जाते हैं सिलगुड़ी, मेरा कोर्ट मोड में थोड़ा काम है। तो गाइस यहाँ पे रेड लाइट हो चुका है, थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ मैं यहाँ पे, नहीं तो ये आ रही था इसी ना। तो निकलते हैं यहाँ से, तो मैं दार्जिलिंग मोड पहुँचने वाला हूँ, ज़्यादा दूर तो नहीं है दार्जिलिंग मोड। गाइस अभी मैं सिलगुड़ी पहुंच चुका हूं, अभी मैं फिलहाल हूं जंक्शन में। तो गाइस अभी मैंने मैप वगैरह सब सेट कर दिया है मोबाइल पे, तो अभी मैं फिलहाल हूं यहां पे मानंद ब्रिज पे। तो यहां से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कुछ मोड पूछने में, वहीं पे है मेरा काम, तो काम बड़ा बड़ा निकल गया कि उस वाले लोकेशन में चलते हैं। भाई बहुत ही एक्साइटेड हूँ भाई वो वाले लोकेशन पर जाने के लिए, क्योंकि मैं पहली बार जा रहा हूँ वो वाले लोकेशन पर। भाई ट्रैफिक देखो, ट्रैफिक जब से मैं दार्जिलिंग है सिलगुड़ी एंटर किया हूँ तब से बारिश का बूंदे आती जा रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो रहा है।
और होना भी नहीं चाहिए भाई, बारिश बारिश हुआ तो फिर बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत वाला सीन हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ, काम ख़त्म करके जाना पड़ेगा उस वाले लोकेशन पे भाई, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं भाई वो वाले लोकेशन पे जाने के लिए। सो ओके गाइस, मेरा काम ख़त्म हो चुका है और मैं यहाँ कोटमोड़ से अभी निकल रहा हूँ। अब मैं आप लोगों के वो वाले लोकेशन पे ले चलता हूँ। तो पहले मैप में देखना पड़ेगा वो जगह का नाम भी क्या है, वो भी मुझे मालूम नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आत्यागच्छ, तो यहाँ से कितना मैप पे देख लीजिए आप, 1 आवर 7 मिनट दिख रहा है, 32 किलोमीटर। तो चलते हैं यहाँ से, तो जा रहा हूँ मैप के भरोसे में, तो देखते हैं कहाँ तक ले जाता है ये मैप मुझे। तो मेरे मैप में दिख रहा है कि मुझे लेफ्ट जाना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं लेफ्ट की ओर। यार बहुत ही बढ़िया रास्ता है यहाँ पे, तो ये देखिए गाइस हाईवे। गाइस आप लोग जब भी हाईवे में ट्रैवल करते हो तो मिरर एकदम सही रखना, क्योंकि हाईवे में आगे पीछे सब देखना पड़ता है, तो इसीलिए एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा रहता ना। तो हाईवे में तो ओवर स्पीड रहता ही रहता है, तो आप अचानक से ब्रेक लगाए और पीछे से आगे ठोक दिया तो बहुत ही दिक्कत वाली सीन हो जाएगी। तो अभी मैं जा रहा हूँ सीधा रास्ते एकदम हाईवे में, बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर भगाने में एंटर को। तो आप लोगों को मेरा हिंदी कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। तो आप लोगों को ये हिंदी ब्लॉग अच्छा लगा तो आगे से मैं हिंदी में ही ब्लॉग करूँगा, और आप लोगों को अच्छा नहीं लगा तो मैं हिंदी में ब्लॉग करना छोड़ दूँगा गाइस। तो चलिए यहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर, तो देखते हैं यहाँ का नज़ारा। ओके गाइस, अभी मैं एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ, तो ये हेलमेट उतार दीजिए भाई, बहुत ही गर्मी लग रहा है यहाँ से। तो यहाँ का देखिए भाई हाईवे इतना बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। मुझे उस तरफ जाना पड़ेगा, एक मिनट भाई गाड़ी देख के। यहाँ पे देखिए सारा यहाँ पे डैम है एकदम बढ़िया, लगता है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है या कुछ नहीं भाई, यहाँ पे पूरा डैम सूख चुका है, नज़ारा एकदम ही बढ़िया है यहाँ पे। उसके आप देख सकते हैं मेरे पीछे, तो हाईवे देखिए गाइस, हाईवे डैम भी बहुत ही बढ़िया है। मैं पहली बार भी यहाँ पे आ चुका हूँ, ये एक्चुअली ये वाले रोड पे, जो वाले जो हाईवे है वाले रोड पे आ चुका हूँ, लेकिन आगे में जो शायद कंस्ट्रक्शन का काम होता होगा तो इसलिए वहाँ पे हाईवे क्लोज है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, तो चलते हैं दूसरा लोकेशन पे, और दूसरे वाले लोकेशन यहाँ से थोड़ा दूर है, लेकिन कोई बात नहीं, आपका भाई ले जाएगा आपको भी वहाँ पर। भाई बहुत ही विंड ब्लास्ट हो रहा है भाई, मेरे को भी हवा ने हिला दिया। भाई इतना बड़ा हाईवे में भगा रहा था, पता नहीं ये गूगल मैप ने मुझे एकदम गांव में लेकर छोड़ दिया यार, एकदम ही गांव है भाई, गांव वाला एरिया। देखिए धान वगैरह बहुत ही बढ़िया है भाई लोकेशन, तो भाई ऐसा नज़ारा ना दार्जिलिंग में दिखने को नहीं मिलता है ना, तो हम लोगों को बहुत ही बढ़िया लगता है ये सब दिखने में।
तो आप लोगों को कैसा लगा ये नज़ारा मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और ये वाली लोकेशन भी बता देना गाइस। जो लोग भी यहाँ से देख रहा है ये वीडियो तो लोकेशन काइंडली कमेंट कर देना। ओके गाइस, तो मैं लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ, लेकिन भाई बहुत ही रास्ता यहाँ पे ख़राब है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप। यार देखो ये भी कोई रास्ता है भाई। अरे भाई कहाँ से ले चलूँ, लोकेशन तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन भाई रास्ता देखो देखो देखो। ओ भाई कहाँ से ले लिया, अरे भाई बहुत ही टेढ़ा मेरा रास्ता हो चुका है भाई, फिसलना मत भाई। देखते हैं, पहले चलते हैं उस वाली ब्रिज पे, तो वहाँ से देखना पड़ेगा लोकेशन कैसा रहेगा। ओके गाइस, तो मैं यहाँ लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ, और भी ये लोकेशन, लेकिन अभी मैं हूँ फिलहाल इस वाले, पता नहीं ये रोड बोलो या क्या है भाई। ये देखो भाई बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, ये देखो भाई कितना दूर तक है, आप जैसे कि मैप में देख सकते हैं फुलवारी लिख के वहाँ पे, और भी एक वाले यहाँ से शायद दिखा नहीं देगा, यहाँ पे एक ब्रिज है वहाँ पर भी है एक लोकेशन, और वहाँ पे भी मैं चलता हूँ, लेकिन पता नहीं ये जगह का नाम क्या है भाई। इस वाली लोकेशन को क्या कहते हैं, इस जगह का नाम चुचाऊ। ओके तो गाइस, जैसे कि हमने यहाँ पे एक बंदे से पूछा तो इस जगह का नाम है चुचाऊ, पता नहीं है भाई या नहीं, तो निकलते हैं भाई अगली लोकेशन पे। ओके गाइस, मैं अभी एक हाईवे मतलब ये गांव वाला रोड पे हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही चाय बगान ही चाय बगान, चाय पूरे चारों तरफ। देखो गाइस चारों तरफ चाय का बगान है यहाँ पे, तो दार्जिलिंग का याद आ गया भाई मुझे तो। ओके गाइस, तो मैं अभी फाइनल लोकेशन पे आ चुका हूँ, तो आपको यहाँ से दिखाते हैं नज़ारा। तो ये देखिए गाइस, ये पूरा एकदम ही ब्रिज है, और यहाँ देखिए गाइस ये डैम है एक, और यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी, और यहाँ से देखते हैं, देखा गाइस ये एकदम ही ब्रिज यहाँ से शुरू होता है और वहाँ पे जाके ख़त्म। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे डैम पूरा है, ये एकदम ही है रिवर ही रिवर है। तो कुछ लोग बता रहे थे कि ये बांग्लादेश का भी बॉर्डर है बोल के, तो अच्छा ही यहाँ का भी लोकेशन, तो इतना ही है भाई यहाँ से एंड होता है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ इस वाले लोकेशन पे, तो सीधा मिलते हैं सिलगुड़ी जाके। ओके गाइस, सो मैं ये वाली लोकेशन से निकल रहा हूँ। ओके गाइस, मैं उस वाली लोकेशन से निकल के अभी मैं हूँ यहाँ हाईवे पे, पता नहीं है कौन सा रोड है, तो बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ यार, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ऑफ रोडिंग था ना, तो इसीलिए तो स्कूटी का भी हीट मीटर बहुत ही ज़्यादा दिखा रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा इसे ठंडा होने देता हूँ, तो यार बहुत ही पीठ दर्द हो रहा है भाई, कितने दिनों बाद राइड कर रहा हूँ ना सॉरी, तो इसकी वजह से बहुत थक गया हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना बाजार, इतना बड़ा गाड़ी, तो हाईवे में ऐसा ही रहता है बताए। तो अभी इसको भाई इसका हालत भी पूरी तरह से गंदा हो चुका है, तो मेरा पावर बैंक का भी इसका भी बैटरी ख़त्म हो चुका है, तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्कूटी हीट हो चुका है। तो अभी मैं हूँ यहाँ पे हाईवे में, चलते हैं इस वाले हाईवे से। तो आपको मेरा हिंदी कैसा लगा वो कॉमेंट करके ज़रूर बता देना यार, बहुत ही था। सो गाइस, अभी मैं सिलगुड़ी पहुँच चुका हूँ यार, बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, तो अभी मैं फ़िलहाल आया हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए यहाँ पे सिटी सेंटर, तो यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा वंडा पी लेता हूँ, तो उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके स्कूटी को भी पार्किंग में लगा दिया है, तो उसके बाद निकलते हैं सीधा दार्जिलिंग की तरफ। मैं पी रहा हूँ ब्लू लगून, बहुत ही ज़्यादा थक चुका था, तो इसलिए तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं यार। देखिए हाथ में मेरे इतना ज़्यादा जम चुका है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा धूल उड़ा था ना, तो इसीलिए
मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, तो अभी थोड़ा देर रेस्ट करते हैं। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी मैं यहाँ पे हूँ सिटी सेंटर, जैसे कि देख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ सीख रहा, तो अभी मैं हाथ और मैं केस दोनों वॉश करके सीधा निकलूँगा। तो मिलते हैं सीधा रोहिणी में जाके, यार इतना भूख लग रहा है ना, तो खाना खाते हैं वहाँ जाके। तो अभी मेरा कैमरा का भी थोड़ा बैटरी डेड हो चुका है, तो इसलिए मैं अब मोटो ब्लॉग नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ से रोहिणी कितना ज़्यादा दूर तो नहीं है, तो वहीं पर जाके मैं खाना खाऊँगा और सीधा घर के लिए निकल जाऊँगा। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं यहाँ पर। तो ओके गाइस, मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ सिटी सेंटर में। स्कूटी यहाँ पे पार्किंग लगा दिया था, तो भैया से पूछते हैं पार्किंग का कितना हुआ। तो मैं निकलना हूँ यहाँ पार्किंग से, तो मिलते हैं सीधा रोहिणी जाके। ओके गाइस, तो मैं रोहिणी पहुँच चुका हूँ। तो इतना ज़्यादा भूख लग रहा था ना मुझे, तो मैंने खाना भी खा लिया है। स्कूटी का यार हीट मीटर ना इतना ज़्यादा हीट दिखा रहा था यहाँ पर। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, जो ये हीट मीटर होता है, तो ये कितना 1, 2, 3, 4 पे पहुंच गया था। तो गाइस, अभी मैं लगभग दार्जिलिंग पहुंच ही गया हूँ। यहाँ से कितना 20 या 30 किलोमीटर है पर्सिंग से, तो यहाँ से व्यू दे सकते हैं एकदम चारों तरफ कोराई कोहरा वाला सीन हो चुका है यहाँ पे। सुबह में भी जब मैं घर से निकला था तो ऐसे ही सीन था यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने मोटो ब्लॉग नहीं किया। तो ऐसा वेदर में आपको मैं कैसे दिखाऊँ, ठीक नहीं गाइस। तो आज का वीडियो यही पे मैं इंड करता हूँ। तो आप लोगों को मेरा हिंदी वाला ब्लॉग कैसा लगा, तो मेरा ये प्लस फर्स्ट ब्लॉग है हिंदी में, तो आप लोगों को कैसा लगा, आई होप आप लोगों को अच्छा ही लगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए ये वीडियो यही पे इंड करते हैं, मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू लेटर गाइस।